हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे टैम भी कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट टाइप है आज हम इस वीडियो में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन इसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन इसका एडवांटेज एप्लीकेशन डिसएडवांटेज इस एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आपको एक हेलमेट्स नोट भी प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो वीडियो शुरू करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसे टैम भी कहा जाता है ये स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है इज अ टेक्निक टैम इज अ टेक्निक ऑफ चॉइस फॉर एनालिसिस ऑफ इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर टैम इज अल्सो यूज फॉर इवेल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक फाइबर्स पार्टिकल्स और माइक्रोस्ट्रक्चर आर इट्स इन्वेंटेड बाय मैक्स एंड अर्नस्ट रस्कर सो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है तो बेसिकली टेम का प्रयोग जैसे कि अगर हम हमारे जो नॉर्मल जो लैब होते हैं स्कूल में उसमें हम लाइट माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं आ, लेकिन जब हमें किसी भी जो होता है किसी भी सैंपल का या किसी भी सैंपल का या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का जब हमको उसका माइक्रो स्ट्रक्चर का अध्ययन करना होता है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना होता है उसका मैग्नीफाइड इमेज हमको प्राप्त करना होता है तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं तो ये एक प्रकार का टेक्निक है जिससे जो है जिससे जो इंटरनल स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाता है टेम को जो है टेम जो है स्ट्रक्चर आ, को इवेल्युएट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है जैसे कि फाइबर्स पार्टिकल्स या माइक्रोस्ट्रक्चर्स किसी भी कोशिका का, का माइक्रोस्ट्रक्चर्स ये सब जो है अध्ययन करने के लिए टाइम का प्रयोग किया जाता है इसे जो है इस टेक्निक को इन्वेंट किया था मैक्स मैक्सनोल और अंस्ट रस्कर ने तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जब हम इस अब हम इसका प्रिंसिपल प्रोसेस देखेंगे तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है बेसिकली uh, जैसे कि uh, इसका प्रिंसिपल का हम इसका पहले यहाँ पे जो है इसका हम थ्योरी uh, पोर्सन देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर दोस्ड थ्रू द सैंपल आर स्पेसिमैन आर इमेज एंड गिव्स द आइडिया अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल फर्स्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल विल स्ट्राइक इन टू द फ्लोरोसेंस स्क्रीन आर प्लेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू इमेज विच इज टू डी आर ब्लैक एंड वाइट सो ये प्रिंसिपल का जो है थ्योरी पोर्संस है बेसिकली ये पॉइंट्स क्या कहते हैं जो हमने प्रिंसिपल अपना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था अगर आपने वीडियो नहीं देखा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के बारे में जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक इंपॉर्टेंट टाइप है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा आप उस वीडियो को जाके पहले चेक कर सकते हैं जिससे आपको ये टाइम ज्यादा ईजिली समझ में आएगा तो जब इसके प्रिंसिपल पार्ट्स में जाते हैं तो इसका जो है ये बेसिक थ्योरी पार्ट्स है इसको आ, इसको हम इस डायग्राम से ज्यादा इजिली समझ सकते हैं तो बेसिकली क्या होता है देखिए ये जो हमारा आ, आ, जब हाँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी हम इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं तो जो रेडिएशन सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन बीम जब इलेक्ट्रॉन बीम हमारे सैंपल या यान पे स्ट्राइक होता है तो चार प्रकार के सिग्नल हमको प्राप्त होते हैं पहला सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बैक स्केटर इलेक्ट्रॉन और एक्सरे एमिटेड एक्सरे और चौथा होता है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्को हाँ सॉरी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटर और एक्सरे का प्रयोग करके जो है इमेज प्राप्त करते हैं लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके जो है अपना जो मैग्नीफाइड uh, इमेज प्राप्त करते हैं तो ये पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेसिमेंट पर हमारे स्ट्राइक uh, करता है तो जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक जो है एक टाइप का फ्लोरोसेंस स्क्रीन या प्लेट पर जाके uh, जो है स्ट्राइक करता है ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर जाके स्ट्राइक करता है उसके बाद जो हमको इलेक्ट्रॉन्स जो जैसे भी जो जो इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएंगे और जो बचेंगे उन इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके जो है हम अपने सीपीयू में प्रयोग करके हमारे जो मॉनिटर में है उसका इमेज प्राप्त होता है तो बेसिकली हम ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन से जो इमेज प्राप्त करते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन से जो इमेज प्राप्त करते हैं वही इमेज जो है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्राप्त किया जाता है ये इमेज जो है ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके जो है ये जो है हमको मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होता है तो ये तो ये इसी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन गन होता है इलेक्ट्रॉन गन इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम एंड ऑपरेट एट एक से तीस किलो वॉट सेम के लिए और अस्सी से तीन सौ किलो वॉट टैम के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है ऑपरेट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि टंगामेंट जो इज यूज इन इलेक्ट्रॉन गन विच एमिट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वेरी हाई वोल्टेज जो टंगामेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन गन में यूज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करता है बहुत ही हाई वोल्टेज में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब इसका हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंटेशन तो uh, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हम रे डायग्राम का प्रयोग करेंगे तो रे डायग्राम ऑफ टेम जिससे हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या होते हैं एक हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पहले देख लेते हैं जो डायग्राम है उसका uh, इसमें होता है हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स कंडेंसर लेंस कंडेंसर अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव अपर्चर सैंपल सेलेक्टेड एरियाज ऑफ अपर्चर इंटरमीडिएट लेंस प्रोजेक्टर लेंस और एक स्क्रीन ठीक है ये जो है इसका आ, ये जो है इसका हमारा उसके बाद स्क्रीन में जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो हमको ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उसका सीपीयू में एनालिसिस करके हमको स्क्रीन में इसका डायग्राम प्राप्त होता है तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन का जो थ्योरी पोर्सन है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो जो आपके खुद के नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल होगा और आपको ईजिली समझ में भी आएगा तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन सोर्स तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन क्या है टंगस्टन फिलामेंट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन में जो टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है वही जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है हमारे इलेक्ट्रॉन गन में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का वो है कंडेंसर लेंस तो कंडेंसर लेंस क्या होता है दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है एंड दे विल फोकस ऑन

ट्रॉन बीम विल बी मोर एक्सिलरेटेड एंड इट कैन इजिली पेनेट्रेट दैन ठीक है इसीलिए ठीक है इसमें ज्यादा नंबर में कन्डेंशन लेंस यूज किया जाता है टाइम में इसीलिए जो होता है ये ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को तो ये जो है स्पेसी मैन पर इजिली पहुंच जाते हैं इस प्रकार हमारा कंडेंशन लेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है उसके बाद कंडेंशन लेंस के बाद हमको सैंपल प्रिपेयर करना होता है जो सैंपल उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सैंपल का जो आता है जहां पे हम सैंपल रखा होता है तो सैंपल का प्रिपेयर कैसे किया जाता है पहला फिक्सेशन किया जाता है दो मेथड है केमिकल फिक्सेशन और कायरो uh, फिक्सेशन दो प्रकार के फिक्सेशन यूज किया जाता है फिक्सेशन मेथड का यूज किया जाता है uh, तो केमिकल फिक्सेशन में हमू ग्लुटेरेडिहाइट uh, glute, uh, और uh, काइडो फिक्सेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन uh, या हीलियम का प्रयोग करते हैं रिंसिंग सेकेंडरी फिक्सेशन एंड फोर्थ इज डिहाइड्रेशन ठीक है तो रिन्सिंग के लिए हम सोडियम काको डाइलेट डाइलेट का प्रयोग करते हैं और सेकेंडरी फिक्सेशन के लिए हम ओएस एस फोर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और इथेनॉल या एसिटोन का प्रयोग डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है ये हमारा सैंपल प्रिपरेशन का मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे

डिटेक्टर ओके okay, तो ये प्रोजेक्टर लेंस क्या करता है इलेक्ट्रॉन बीम को जो है स्क्रीन uh, पर जो है स्ट्राइक करता है उसके बाद सी या चार्ज कपल डिटेक्टर भी कहा जाता है विल सेंड डाटा टू द सीपीयू फिर जो सी होता है ये क्या करते हैं uh, uh, जो uh, जिसे चार्ज कपल डिटेक्टर भी कहा जाता है ये uh, जो डाटा होता है जो इलेक्ट्र uh, जो जो हमारे ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन से जो प्राप्त होता है डाटा उसको सीपीयू में सेंड करता है तो ये प्रोजेक्टर लेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है तो आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, इंपॉर्टेंट पार्ट्स से इंस्ट्रूमेंटेशन का आपको समझ में आया होगा अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम जो रे डायग्राम है उसमें समझ लेते हैं तो बेसिकली हमने जो uh, अभी डिस्क्राइब किया हमारे थ्योरी पोर्शन में वो डायग्राम में देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली इसका जो टंगस्टन फिलामेंट होगा इलेक्ट्रॉन बीम जो है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन गन है इलेक्ट्रॉन सोर्स में इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगा ये इलेक्ट्रॉन बीम है वन काइंड ऑफ तो ये कंडेंसर लेंस है तो कंडेंसर का लेंस का काम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंस है ये जो इलेक्ट्रॉन बीम को कहां फोकस करेगा हमारे सैंपल पर फोकस करेगा उसके बाद सैंपल प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे सैंपल रखेंगे उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस तो ये ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस होंगे ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम जो ये पीला कलर में दिख रहा है इसको जो है आ, आ, फोकस करेगा हमारे आ, प्रोजेक्टर लेंस में ठीक है प्रोजेक्टर लेंस में ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको जो है फोकस करेगा हमारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्टिव लेंस में उसके बाद प्रोजेक्टिव लेंस फिर यूज करके जो है प्रोजेक्टिव लेंस में जो है हम उसके बाद जब हम प्रोजेक्टिव लेंस में जो है यूज करके हम इसको फ्लोरोसेंस स्क्रीन प्रोजेक्टिव लेंस यूज करेंगे तो प्रोजेक्टिव लेंस क्या करेगा फ्लोरोसेंस स्क्रीन जो यूज करते हैं हम उसमें जो है स्ट्राइक करेगा हमारे इलेक, इलेक्ट्रॉन बीम को तो इस प्रकार जो हमको डाटा प्राप्त होगा तो स्क्रीन में जो डाटा प्राप्त होगा फ्लोरसेंड स्क्रीन में ये सीसीडी डिटेक्टर में यह, यहाँ पे हम सी सी डी डिटेक्टर का भी प्रयोग करते हैं तो सीसीडी डिटेक्टर जिसे चार्ज कपल डिटेक्टर भी कहते हैं ये डाटा को जो है हमारे सीधे सीपीयू में सेंड करेगा जो हम सी यूज करते हैं तो ये सी में सेंड करेगा फिर यहाँ से हमको अपने स्क्रीन में जो है किसी भी सैंपल या उसका जो है मैग्निफाइड uh, इमेज प्राप्त होगा इस प्रकार इसका, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करता है uh, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैम इज ऑपरेटेड अंडर वैक्यूम टू रिड्यूज द एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय एयर ठीक है टैम जो होता है ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आ, जो है वैक्यूम में ऑपरेट किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के जो बाहरी हवा होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक बीम इलेक्ट्रॉन बीम को जो है इधर उधर ना करे या फिर जो हमारा आ, प्रोसेस होता है वो प्रभावित ना हो तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस वर्किंग फंक्शन आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब हम इसका जो है बेसिक एप्लीकेशंस uh, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन है पहला है हमारा टैम प्रोवाइड टोपोग्राफिकल मार्फोलॉजिकल कंपोजिशनल एंड क्रिस्टलाइन इंफॉर्मेशन प्राप्त कर, uh, प्राप्त होता है हमको uh, फिकल मार्फोलॉजिकल कंपोजिशनल एंड क्रिस्टल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं किसी भी सैंपल का वो हमको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्राप्त होते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है uh, थर्ड इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है कैंसर रिसर्च में जो है टेम का प्रयोग किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो स्टडी ऑफ ट्यूमर सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर ट्यूमर सेल का अल्ट्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का अध्ययन

डिटेल्ड ठीक है जो इमेज हमको प्राप्त होते हाई क्वालिटी के होते हैं और लार्ज एंड वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही इसका जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो बहुत ही लार्ज है और बहुत ही एक्सपेंसिव है सैंपल uh, प्रिपरेशन उसके बाद ऑपरेशंस एंड एनालिसिस रिक्वायर स्पेशल टेक्निक जो इसमें जो या एनालिसिस करते हैं uh, उसमें जो है हमारा स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ये इसका एक डिसएडवांटेज है जिसका सैम्पल प्रिपरेशन होता है ये भी एक प्रकार की बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है फोर्थ uh, है टाइम रिक्वायर्ड स्पेशल हाउसिंग और मेंटेनेंस ठीक है एक उसके लिए एक अलग से कमरा या घर की आवश्यकता हो होती है और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारा इम्पॉर्टेंट uh, uh, जो है uh, यूज़ किया मतलब मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन है उसके बाद इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें इमेज प्राप्त होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्राप्त होते हैं ये इससे एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज एडवांटेज और एप्लीकेशंस हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ, ये आपका नोट्स है जो आप खुद नोट्स बना सकते हैं या आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं क्योंकि अगर आप आ, आ, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको आ, इसके बारे में जो है नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन क्या है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है ये सब आपको आना चाहिए तो ये जो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्योरी प्रोसेस है जब आप सेमेस्टर एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये उसके uh, बाद जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल्स है और इसका ये जो है हमारा uh, बेसिक इंट्रोडक्शन है सो so, ये ये था कंप्लीट डिस्कस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी हुआ होगा uh, तो अगर यूजफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और, तो और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग